नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। और डंके की चोट पर आज का सवाल है कि क्या यूपी की सत्ता उसी पार्टी को मिलेगी जिसे ब्राह्मण वोट करेगा। और इसी ब्राह्मण वोट के लिए अब सभी पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा चुकी है। इस सवाल का जवाब समझने के लिए एक साथ दो तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर कल की है, जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भगवान परशुराम की पूजा कर रहे हैं। पूजा के बाद उन्होंने दावा किया कि ब्राह्मण समाजवादी होते हैं। दूसरी तस्वीर कुछ दिन पुरानी है, जब यूपी बीजेपी के ब्राह्मण नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिल रहे थे। ऐसा दावा किया गया कि इस बैठक में यूपी में ब्राह्मणों की नाराजगी दूर करने पर चर्चा की गई और यह बैठक दिल्ली में हुई। यूपी में तकरीबन 12% वोटर ब्राह्मण है। दावा है कि ब्राह्मणों ने 2007 में बीएसपी का साथ दिया तो मायावती मुख्यमंत्री बन गई। 2012 में क्या स्थिति बनी ये हम आपको बताते हैं। 2012 में समाजवादी पार्टी का साथ दिया ब्राह्मणों ने और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन गए। और 2017 में जब ब्राह्मण वोटर बीजेपी के साथ आया तो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। ये ब्राह्मण वोटरों की स्थिति है कहां पे? उत्तर प्रदेश में, जो पूरे देश का सबसे बड़ा सूबा है। अब इन्हीं आंकड़ों को देखते हुए सभी पार्टियां ब्राह्मणों को रिझाने में लगी हुई ये कह सकते हैं। इसके लिए चाहे बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो या बीएसपी, सबने जोर लगा दिया है। और अब अखिलेश यादव तो दावा ये कर रहे हैं कि ब्राह्मण सबसे बड़े समाजवादी होते हैं। सुनिए चुनावी माहौल में कहा क्या उन्होंने। मैं अपने सभी ब्राह्मण समाज के लोगों से कहूंगा कि जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं वो सबसे समाजवादी लोग होते हैं, वो न्यायप्रिय लोग होते हैं। जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं वो हमेशा न्याय दिलाने का काम करते हैं। हमें उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश की जनता को न केवल समाजवादी रास्ते पर ब्राह्मण समाज लेकर के आएगा और साथ ही साथ जिन्हें न्याय नहीं मिला है उनके न्याय के लिए खड़ा दिखाई देगा। तो देश के सबसे बड़े सूबे में चुनाव है और जाहिर सी बात है कि धर्म, मजहब, जाति, ब्राह्मण, राजपूत सब सामने आ रहे हैं। राम कृष्ण इसके अलावा और कौन इस चुनावी माहौल में भगवान बन के आ रहे हैं, ये सब हम बड़ी बातें आज करेंगे। मेहमान कौन कौन से हैं, इससे सबसे पहले मैं आपका परिचय करवा दूं। जफर इस्लाम प्रवक्ता है बीजेपी पार्टी के, शांतनु गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक कुछ ही देर में जुड़ेंगे मेरे साथ। उमा शंकर पांडे प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, धर्मवीर चौधरी बीएसपी से, आईपी सिंह नेता समाजवादी पार्टी से, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं सीधे सीधे बिना वक्त जाया किए मैं समाजवादी पार्टी का रुख करती हूँ, आईपी सिंह का रुख करती हूँ। आईपी सिंह सर, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि राम से दूरी लेकिन परशुराम पर इतना ज्यादा लगाव? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय। वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, भगवान विष्णु के वो अवतार है। और जो भी आध्यात्मिक लोग हैं, जो रामचरितमानस या रामायण जानते हो, जानते हैं कि भगवान परशुराम भी भगवान विष्णु के अवतार थे। तो भगवान विष्णु के अवतार के रूप में भगवान परशुराम की प्रतिमा और मंदिर का अनावरण हुआ है कल। लाखों की संख्या में ब्राह्मण समाज शामिल हुआ और उस कार्यक्रम में शंखनाद के साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी उस पूजन में शामिल हुए। लाखों लोग आए और ये बदलाव की जो आंधी चल रही है, मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं। बदलाव तो मैं आपसे समझना चाहती हूं कि लखनऊ से दूरी अयोध्या की कितनी है, लखनऊ से अयोध्या की दूरी कितनी है पहले ये बता दीजिए, फिर मैं और मेहमानों के पास भी जाऊंगी। जी जी बताइए, सवाल पूछिए, क्या पूछना चाहते? लखनऊ से अयोध्या की दूरी कितनी है कि आपको जाने में वक्त लग गया लेकिन परशुराम पे आप मेहरबान हैं और आप पूजा कर रहे हैं, तो हम तो समझ रहे हैं कि आप ब्राह्मण वोट को साध रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सब परिवार दो दशक से माँ भगवती का पूजन करते हैं, नवरात्रि का व्रत रहते हैं, मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को घूम फिर कर अयोध्या, मथुरा और काशी में उलझा कर रखना है। लेकिन ये महंगाई जो 350 रुपए का सिलेंडर, 1000 रामलला के दर्शन कब करेंगे? मैं तो सीधा से सवाल पूछ रही थी, वो जो दूरी में पूछ रही थी, रामलला के दर्शन कब करेंगे? 120 रुपए हो गया, इस पर चर्चा। आप राम परशुराम को क्यों बांट रहे हैं, राम से दूरी क्यों, रामलला से दूरी क्यों? कहा गया है हिंदू धर्म की 33 कोटि देवी देवता है। हाँ। हम तो गांव में दी बाबा को भी पूजते हैं, माँ काली को पूजते हैं, हम तो माँ राम के पास नहीं जाते हैं ना सर,
राम के पास नहीं जाते, काम को बीजेपी और संघ परिवार करता है। मतलब आपको समझ में आ गया कि अब राम के पास जाएंगे तो फायदा नहीं मिलने वाला, परशुराम के पास चलते हैं। मैं सीधे चलती हूँ जफर इस्लाम के पास, प्रवक्ता है बीजेपी के। जफर इस्लाम, ये राम परशुराम का वाकई बंटवारा हो रहा है क्या आपके हिसाब से? क्या समझ में आ रहा है समाजवादी पार्टी का स्टैंड, आपको क्या समझ में आ रहा है? देखिए, सत्ता की भूख, खोखले चेहरे, मुखौटा पहनकर ये वोट के लालच में इस तरह की बातें कर रहे हैं। जहां तक समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की एक एक जनता जानती है कि एम वाई कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, एम वाई, तो क्या इन्होंने ये कॉम्बिनेशन को एम वाई कॉम्बिनेशन को क्या इन्होंने एम को हटा दिया है? ये बड़ा सवाल है, इसलिए कि जिस तरह से बात कर रहे हैं तो उससे तो लग रहा है कि ये मुखौटा पहन के ये काम कर रहे हैं। आज अभी ये सबसे बड़े हिंदू बनना चाहते हैं, सवाल का जवाब दीजिए, आप ही कहते रहे हैं। बीजेपी हमेशा कहती रही है कि ये रामलला का दर्शन करने नहीं जाते हैं, लेकिन आज ये रामलला का दर्शन करे ना करे परशुराम के पास जा रहे हैं। एक मिनट जरा आप सवाल कर लीजिए, फिर लोगों को मौका दीजिए। मैं आप ही से फौरन सवाल पर सवाल कीजिए। ये सवाल आप ही से था। हाँ, तो बार बार सवाल पर एक मिनट सवाल करके थोड़ा समय दीजिए जवाब दे। अरे चुप रहिए, मेरे और भी मेहमान हैं, मुझे सबके पास जाना है। सब मेरे मेहमान हैं, मुझे सबके पास बारी बारी से जाना है। मैं बीच में किसी को नहीं इंटरप्ट किया, इसलिए जरा इनको बताइए कि शांति से, इतना घबराइए मत, जमीन खत्म हो गई है, उछलिए मत जाते प्रदेश की जनता के। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि देखिए ये सब बिखोटा है, हर लोग जानता है कि इनका ये अरे भाई सिंह साहब चुप रहिए ना थोड़ा देर, बाद में बोल लीजिएगा मौका मिलेगा। आप मुखौटा पहन के यहाँ बैठे हैं, कभी तक तो देखा नहीं कभी कि आप कभी गए हुआ ब्राह्मण समाज की बात करते हो। देखिए हमें मुद्दे पे बात करनी है, लुभाने का काम कर रहे हैं, कब मुस्लिम समाज को लुभाने का काम करिएगा, कभी और कुछ करने का। हकीकत यही है कि आप जमीन खिसकी है, आप हार रहे हैं बुरी तरह से, तो आप इस तरह आपको मिठाया बीजेपी ने। आप हिंदुत्व के लिए हम, अरे भाई आप काहे के लिए बोल रहे हैं? नहीं तो आप बोल दीजिए, ठीक है। चलिए आप दोनों अगर बहस कर रहे हैं तो मैं सीधे बीएसपी के पास जा रही हूँ। बीएसपी से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं धर्मवीर चौधरी। धर्मवीर चौधरी जी, हमने बचपने से सुना है, हमने चुनावी माहौल में हमेशा यही सुना है, ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन हाथी और ब्राह्मण का जो कॉम्बिनेशन है, अब उसमें अब कहां समाजवादी पार्टी घुस चुकी है? नहीं, ये गाय और गिरगिट की पूजा करने वाले लोग बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लोग, ये अब तक गाय की पूजा करते थे, अब मैं कहूंगा कि ये गिरगिट की भी पूजा करने लगेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये चेहरे और चाल और चरित्र से मेरी नजर में दोनों जानवर हैं, गिरगिट भी और गाय भी, मुझे बोलने दीजिए आप। तो ये गाय और गिरगिट की पूजा करने वाले लोग, ये वो लोग हैं जो एक राम भक्तों पर गोली चलवाते हैं और एक भगवान परशुराम के वंशजों को 700 से ज्यादा हत्याएं करवा देते हैं उत्तर प्रदेश में। आज इनकी जमीन खिसकी हुई है तो इनको भगवान परशुराम याद आ रहे हैं, इनको गाय याद आ रही है, मायावती कहती थी कि एक अधिकार है उनका ब्राह्मणों पर, और हमने देखा भी कि चुनाव परिणाम में उनके साथ ब्राह्मण गया तो उनकी सरकार बनी। आज सर प्रबुद्ध सम्मेलन होगा या ब्राह्मणों की बात उस तरीके से होगी? अरे मैडम, मुझे तो बोलने दीजिए, आप ही से पूछ रही हूं, बोलती रहेंगी, मैं आप ही से पूछ रही हूं, आप खराब करेंगी। सवाल पूछना मेरा काम है और मैं वही कर रही हूं, मैं बता रहा हूं आपको। हाँ,